हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं शेयर करूंगा राजस्थान पुलिस की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और 13,500 वैकेंसी हैं ये जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल्स के लिए। तो ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहाँ से इस पूरे नोटिफिकेशन को आप बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 मई 2018, और कार्यालय महानिदेशक यानी आईजी कार्यालय से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसमें 13,000 समथिंग वैकेंसी हैं, ये हम पूरा देखेंगे इसमें। और इसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब आप पा सकते हैं और पुलिस में आप नौकरी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल घुड़सवार, कांस्टेबल श्वान दल एवं कांस्टेबल ऑपरेटर की 13,142 रिक्त पद हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और केवल राजस्थान राजस्थान में ही इतनी सारी वैकेंसी हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इसमें काफ़ी अच्छे हैं। और इसका जो टेस्ट होगा वो काफ़ी टफ टेस्ट नहीं होता है इसका। इसमें मैं अभी आपको सिलेबस बताऊंगा, इसमें आपका सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाएगा, राजस्थान सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सिंपल रीजनिंग पूछी जाएगी, और उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद सीधा आपको अपॉइंटमेंट इसमें दे दिया जाएगा। तो 13,142 इसमें रिक्त पदों के लिए वैकेंसी इसमें मांगी गई हैं। भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र जो कियोस्क होते हैं वहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को। जनसुविधा केंद्र CSC कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 25/5/2018 से भरे जा सकते हैं। 25 मई से ये स्टार्ट होंगे और 14 जून तक ये भरे जाएंगे। तो यहाँ पर इसको पूरा हम आइडिया लेंगे, इसका पूरा पढ़ेंगे, मेन मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इस पूरे नोटिफिकेशन को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा। कांस्टेबल सामान्य, ऑपरेटर, चालक, घुड़सवार एवं स्वान दल के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया OMR आधारित से माह जुलाई 2018 के मध्य आयोजित किए जाने की संभावना है। अब देखिए, इसमें एग्ज़ाम भी ज़्यादा लेट नहीं होगा, जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, जिसमें OMR शीट जिसमें आपको दी जाती है, ठीक है। इस एग्ज़ाम की सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। तो ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं बताता हूँ आपको। भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या दिनांक 18/5/2018 एवं 22/5/2018 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थायी आदेशों में वर्णित प्रावधानों को ही अंतिम माना जाएगा। देखिए, ये कुछ मेन चीज़ें हम पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं। भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, ये ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है तो वो SSO.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है। ये एक अलग तरीके का एक आईडी है, ये चाहिए, और ये आपको इस साइट पर जाके SSO.rajasthan.gov.in पर आप बना सकते हैं, अथवा SSO ID ई मित्र कियोस्क या जनसुविधा केंद्र पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। तो यहाँ से आप ये बनवा सकते हैं। पुराने आवेदक, ये पुराने आवेदक के बारे में इसमें दिया हुआ है, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके मेन मेन चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी है इसमें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा निर्देश का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेवें। तो इसको पूरा आप आराम से पढ़ लें, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आवेदक की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई मित्र कियोस्क तथा जनसुविधा केंद्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। कहाँ पर ई मित्र कियोस्क है इसकी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, www.emitra.rajasthan.gov.in।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या पूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखें, जैसे अपनी एज आप बिल्कुल सही सही भरें, अपना आपका जो जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी मार्कशीट में दिया हुआ है, वही डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा और आपको उसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें अंतिम दिनांक क्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 25/5/2018 से दिनांक 14/6 यानी 14 जून तक, 25 मई से 14 जून तक रात्रि 23:59 मतलब 11:59 तक भरे जा सकेंगे। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, 14 जून तक है ये। परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है इसमें पूरा। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग MBC वर्ग के आवेदकों हेतु 400 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 350 रुपये है। तो ये यहाँ पर आप पूरा डिटेल इसका देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन मेन चीज़ें मैं सारी आपको बता देता हूँ। भर्ती हेतु जो रिक्त पद हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं, कहाँ पर कितने हैं। आयुक्तालय जो कमिश्नर का जो ऑफिस है उसमें 576 वैकेंसी हैं। सामान्य के लिए, OBC के लिए 148, MBC के लिए 9, SC के लिए 198, ST के लिए 59, इस तरीके से टोटल 990 वैकेंसी हैं जयपुर में। ठीक है, जिला जयपुर ग्रामीण में 98 हैं, जिला दौसा में 76 हैं, जिला सीकर में 43 हैं। तो यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज आप आराम से देख सकते हैं, 13,500 के आसपास इसमें वैकेंसी हैं। और इसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, 30% इसमें रिजर्वेशन महिलाओं को मिल जाएगा। कांस्टेबल चालक की ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं इसमें कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और आसानी से इसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इसका पेपर कोई इतना कठिन नहीं आता है। 8th और 10th पास स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये हैं सारे सारी वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हैं सारी वैकेंसीज। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें व्यवस्था है। कुल रिक्त पदों के 12.5% एवं गत भर्ती के बैकलॉग की रिक्ति भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। तो भूतपूर्व जो सैनिक हैं उसमें इनको आरक्षण मिल जाएगा। TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति एवं शहरी आदिम जाति के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों के लिए रिजर्वेशन है इसमें। और NCC के भी इसमें आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, NCC के यदि आप वो हैं। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी ये देखते हैं, राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग MBC वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। राजस्थान के बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो SC ST और जो OBC होंगे उनको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी पात्र नहीं माने जाएंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में लिखी हैं। नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए आपको एक प्रोबेशन पीरियड होगा, और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको 14,600 रुपये मासिक नियत फिक्स रेमुनरेशन दे होगा। 14,600 रुपये आपको मिलेंगे। तत्पश्चात 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला L5 वेतन एवं नियमानुसार भत्ते दे होंगे। तो इसमें सैलरी करीब 30-40,000 के आसपास होगी आपकी। शुरू में तो आपको 2 साल तक तो यही मिलेगा। भर्ती हेतु पात्रता, ये भर्ती हेतु पात्रता इसमें दी है। अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजानन नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान में उसका जन्म हो, लेकिन इंडिया में वो उसका अपब्रिंगिंग हो तो वो चल जाएगा। जिला पुलिस इंटेलिजेंस मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सेकेंडरी या 10वीं कक्षा का समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, 11th या 10th पास इसमें स्टूडेंट चाहिए। और MBC बटालियन के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं इसका। ये आपका एज का दिया है यहाँ पर कि कब, किसके पहले और किसके बाद आपका नहीं होना चाहिए, 2001 से पहले और 2092 के बाद। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, 2001 के बाद का जन्म आपका नहीं हो। ठीक है, निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, 92 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सारी डेट्स आप ये देख सकते हैं इसमें। लेकिन जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा वो आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। न्यूनतम ऊंचाई दी है,
यहाँ पर हाइट देख सकते हैं आप, पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर चाहिए, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। सीना कितना होना चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एग्ज़ाम आपका 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे, 100 ये अभी हम देखते हैं यहाँ पर, भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया ये देखते हैं इसमें क्या है हिसाब इसका। का चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम अनुसार 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28(3) के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा होगी आपकी, कांस्टेबल बैंड पद के अतिरिक्त एक लिखित परीक्षा होगी, और कांस्टेबल बैंड पद के अतिरिक्त कांस्टेबल बैंड पद जो होगा उसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी। लिखित परीक्षा में कांस्टेबल के 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और मतलब 75 नंबर क्वेश्चन तो 120 हैं इसमें, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन हैं, लेकिन मार्क उनके 75 हैं, 75, और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी 15 नंबर की, ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्किंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार के 120 प्रश्न एवं समय अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिल जाएगा इसमें। और परीक्षा ऑफलाइन होगी, इसमें एक ऑफलाइन परीक्षा होगी, OMR सीट होती है जिसमें आपको फिल करना पड़ता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, और सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसमें आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। विवेचना एवं तार्किक योग्यता, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे इसमें, 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर मतलब करंट अफेयर्स और GK, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस होती है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस एवं करंट पे इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, और 60 क्वेश्चन आएंगे इसमें राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर 60 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से ये 120 क्वेश्चन हैं, लेकिन इनके मार्क्स जो रहेंगे वो आपके 75 रहेंगे, मतलब इसका आपका राजस्थान के ये क्वेश्चन है इसका आधा नंबर रहेगा, एक क्वेश्चन आप करते हैं तो आधा नंबर मिलेगा, इसमें आधा नंबर और इसमें 1 नंबर, इस तरीके से ये रहेगा। और माइनस मार्किंग भी है इसमें, गलत उत्तर देने पर प्रत्येक प्रश्न के अंक का 25% चौथाई इसमें कटेगा आपका, ठीक है, जितना भी चौथाई जितना भी होगा वो आपका कटेगा। लिखित परीक्षा में पदवार वर्गवार महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा, जिसकी सूचना एवं परिणाम, मतलब 13,000 वैकेंसी है तो 13×65 यानी 65,000 लोगों को लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद फिर बुलाया जाएगा उसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, और इसकी सूचना जो मिल जाएगी आपको लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सूचना आपको www.police.rajasthan.gov.in यहाँ पर देखी जाएगी आपकी, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एवं संबंधित जिला यूनिट बटालियन के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के सभी भागों के अंक अंतिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे। कांस्टेबल बैंड पद के लिए एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और कांस्टेबल बैंड पद है उनकी लिखित परीक्षा इसमें नहीं होगी, उनका केवल फिजिकल टेस्ट होगा और उनको जॉब दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आप ये शारीरिक मापतौल और पूरा यहाँ पर यह पढ़ सकते हैं आप, पुरुषों के लिए क्या है इसमें दौड़, तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आप फ्री में डाउनलोड कर लें, और इसका ये PDF है, इसको आराम से आप इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। NCC के लिए 10 नंबर इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, और ये एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। कांस्टेबल सामान्य ऑपरेटर पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक प्रदान किए जाएंगे, सी प्रमाण पत्र 5, बी 3 और ए प्रमाण पत्र 2, ठीक है। होम गार्ड में निरंतर 5 वर्ष तक सेवा देने पर 5 अंक आपको मिल जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा सामान्य प्रकार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता या दक्षता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के अनुरूप वरीयता क्रम में चयन सूची राज्य सरकार के प्रपत्र क्रमांक तैयार की जाएगी। स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा इसमें, और किसी भी तरीके की आपको फिजिकल प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, आँखों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिए इसमें, और फिजिकली पूरी तरीके से फिट उम्मीदवार ही इसमें आपको लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन इसका आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस PDF को पूरा डाउनलोड कर लें और इसको आप आराम से पढ़ें, आप आराम से पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी ले सकते हैं,
ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में मैं यही इन्फॉर्म आपको करना चाहता था। इस पीडीएफ को आप नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर लें और पूरी जानकारी लेके इसमें अप्लाई करें और इसमें अच्छी तैयारी करके आप गवर्नमेंट जॉब आप पुलिस में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।